नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज अलीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अलीगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। आगरा भी जाएंगे सीएम योगी, ताज नगरी में ट्रांजिट विजिट करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 12:05 पर अलीगढ़ के लिए भी उड़ान भरेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं, तो आज अलीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन इसके अलावा वो आगरा भी जाएंगे और यहाँ पर ट्रांजिट विजिट करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर ठीक इसके बाद दोपहर 12 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आएंगे और उससे पहले ही तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी, अलीगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। आज आगरा भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आगरा में ट्रांजिट विजिट करेंगे सीएम योगी और उसके बाद फिर से लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले गोरखपुर में उन्होंने आज जनता दरबार लगाया, जनता दरबार में फरियादियों की समस्या सुनी। इसके बाद वो अलीगढ़ जाएंगे, दोपहर 12:05 पर अलीगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे और फिर अलीगढ़ पहुंचने के बाद वो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है इस चीज़ को देखेंगे। ठीक इसके बाद आगरा के लिए वो रवाना होंगे। तो आज अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी, अलीगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। आज आगरा भी जाएंगे सीएम योगी, ताजनगरी में ट्रांजिट विजिट करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 12:05 पर अलीगढ़ से उड़ान भरेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा इलाके में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज दोपहर 12 बजे लोधा पहुंचेंगे। सीएम योगी और डिप्टी सीएम पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करें। समीक्षा के बाद ही सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसके लिए भारी तादाद में पुलिस पीएसी लगाई गई है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र सिंह अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले योगेंद्र आपकी तरफ रुख करूंगी मैं। मुख्यमंत्री अलीगढ़ आएंगे और अलीगढ़ में सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए ही एक बिल्कुल भी लापरवाही ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अलीगढ़ में क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दें। ठीक है, जिस तरीके से जब पिछली बार मुख्यमंत्री आए थे उसके बाद से ही पूरा जो प्रशासन है वहां पर तमाम तरह की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कल और परसों में जो बहुत तेज बारिश हुई है उसकी वजह से जो वहां पर ताजी मिट्टी डाली गई थी उसमें जो वजह से काफी कीचड़ हो गई, तो इसकी वजह से सारे प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जो भी वहां के जो पानी निकालने के सारे इंतजाम
इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कल से ही एसटीबी के अंदर में है, और उसके जो ग्राउंड है ग्राउंड में बाहर की सिक्योरिटी सारी पुलिस के उसमें है। जो सुरक्षा के इंतजामों की जहां तक मैं बात करूं तो जितने भी अगल बगल के गांव है 7 किलोमीटर के एरिया के, वहां पर जितने भी लाइसेंस की हथियार है सबको जमा कराया जा रहा है, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो ये सारी तैयारियां, इसके अलावा जो सुरक्षा डिप्लॉयमेंट क्या है और जिस तरीके से आगे डीएम ने ऑर्डर कर दिया कि कल सुबह 8 बजे सारे अधिकारी या जो भी कर्मचारी है वो जहां पर उनकी ड्यूटी होगी वहां पहुंच जाएंगे, इन्हीं सब बातों का जायजा लेने के लिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आज यहां पर नोएडा के हेलीपैड पर आएंगे और वहां से स्थितियों का जायजा लेकर के और 1-2 घंटे के बाद ही वो अपना वापस लखनऊ चले जाएंगे। जो भी उनको मीटिंग करनी होगी वो इस स्थल पर होगी, इसके अलावा कोई भी भारत मीटिंग नहीं। ठीक है, कृष्णा त्यागी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। कृष्णा, ताजनगरी में मुख्यमंत्री आएंगे और ताजनगरी में मुख्यमंत्री कई सारी चीजों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि तैयारी से लेकर हर चीज में शामिल होंगे, जानकारी लेंगे, क्या कुछ अभी तक बातें सामने आई हैं? मुख्यमंत्री कितनी देर आगरा में रहेंगे? कृष्णा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो कृष्णा तक हमारी आवाज क्योंकि नहीं पहुंच पा रही, अलीगढ़ से लगातार हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं उस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताएं कि आखिर वो कितना खास है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जो पहले से मौजूद यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो काफी दशकों से यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो पूरी अलीगढ़ की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, इसलिए यहाँ के जितने भी जो बाकी कुछ विद्यार्थी थे जिनकी ये डिमांड थी कि यहाँ पर भी एक बड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए, तो इसी को लेकर के वहां पर जितने भी छात्र नेता थे वो यहाँ पर नेताओं से मिले और उसमें जो सबसे बड़े बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी, उन्होंने जो है ये प्रकरण मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और ये जब मुख्यमंत्री जी के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कोई जमीन है आप उसको मुझे 50 एकड़ जमीन कहीं भी एक जगह दिलवा दे, मैं विश्वविद्यालय की परमिशन दे दूं। तो उसके बाद जो अलीगढ़ के डीएम थे तत्कालीन सीडी सिंह, उन्होंने जो है कहते हैं लोधा के पास लगभग 70 एकड़ जमीन जो उनको विश्वविद्यालय के नाम से अलॉट करवा दी। तो उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया चालू हुई, फिर इसके नाम का सिलसिला, क्योंकि यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एएमयू को भी बहुत सारी जमीन दान में दी थी जिससे कि वो बन सके, लेकिन उनका वहां पर कहीं भी कोई नाम ना होने की वजह से जो यहाँ के लोगों की डिमांड ये थी कि ये जो यूनिवर्सिटी बने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से बने, तो ये उसका फिर नाम। ठीक है योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णा त्यागी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा त्यागी, ताजनगरी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और फिर कितने देर रुकेंगे, क्या कार्यक्रम होगा? अमृता, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। कल 14 सितंबर को अलीगढ़ में प्रधानमंत्री संवाद रैली होगी, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृष्णा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि आज अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और अलीगढ़ के बाद वो आगरा जाएंगे। इससे पहले सुबह ही वो गोरखपुर में जनता दरबार में मौजूद थे, तो बैक टू बैक आज दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामनगरी में आज आम आदमी पार्टी की हुंकार, राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचेंगे, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी नेता करेंगे रामलला और हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन, साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। 14 सितंबर को गुलाब बाड़ी से निकलेगी तिरंगा संकल्प यात्रा, यात्रा में शामिल होंगे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। गुलाब बाड़ी मैदान से गांधी पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है अयोध्या में, आम आदमी पार्टी हुंकार भरेगी। अयोध्या एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह
जहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने कोई भी कार्यक्रम को नहीं छोड़ना चाहती, मिस नहीं कराना चाहती, और यहीं से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां बल्कि शुरुआत कर रही हैं अपने अपने सम्मेलनों की आयोजनों की। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र शुक्ला, अयोध्या अब एक ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, अब आम आदमी पार्टी भी इसी लिस्ट में आ गई है, यहीं से शुरुआत होगी इनके तिरंगा यात्रा की। बिल्कुल अंशिका, 2022 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी सियासी दल हैं सभी अयोध्या से ही शुरुआत करना चाहते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर को लेकर के पूरे प्रदेश में अपने चुनाव का आगाज कर चुकी है, बसपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन की थी अयोध्या में, और आज आम आदमी पार्टी आज तिरंगा यात्रा अयोध्या से निकालेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अभी कुछ ही देर में यानी करीब 11 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। आज के दिन अयोध्या के संत महंतों से मुलाकात करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी जाकर माथा टेकेंगे। उम्मीद है कि वह सरयू आरती भी शाम को आज करें। तो कुल मिलाकर अयोध्या में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा निकाल। करीब हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कई प्रदेशों से बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से भी लोग यहां पर पहुंचे। देर रात तक कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला यहां पर जारी रहा। अभी कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया जब यहां पर पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वह उन्हें संत महंतों से मुलाकात करने ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के गढ़ में आम आदमी पार्टी सेंध लगा ले, इसका भी एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और जो आपने बात कही कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या हर एक पार्टी जो है राजनीति की शुरुआत कर रही, तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी सियासत धुरी देख रही है अयोध्या को। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और ऐसे में हर एक पार्टी अयोध्या से ही अपने चुनाव का आगाज करना चाहती है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तिरंगा यात्रा की, तो तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी संदेश क्या देना चाहती है अयोध्या में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देशी और विदेशी के तमाम सारे नारे लगाती रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों तक की बात, एकजुट होने की बात करती है, उसी में कहीं ना कहीं एक सेंध लगाने का एक बड़ा प्रयास है, वोट बैंक के ध्रुवीकरण करने का एक बड़ा प्रयास है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोभाजीत सिंह के अनुसार उन्होंने कल बात की थी न्यूज वन इंडिया से और उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे कि आखिर हिंदुस्तान की ताकत क्या है, तिरंगा असल सम्मान क्या है। इस तरह से जो है आखिरी दर्जे पर बैठे व्यक्ति को फ्री में बिजली दे सके, फ्री पानी दे सके, उनके घर और जलकर इन तमाम सुविधाओं में छूट दे सके, आखिर हिंदुस्तान में रहने के असल मायने क्या है, और शायद इन्हीं कारणों को लेकर आज तिरंगा यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। और कल यानी 14 सितंबर को गुलाबबाड़ी मैदान से गुदड़ी बाजार नियावा रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन गांधी पार्क बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकालेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे और हाथों में झंडा लेकर वह आम आदमी पार्टी के नारेबाजी भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो नोएडा से सामने आ रही है, सुपरटेक ट्विन टावर केस में जुड़ी बड़ी खबर। एसआईटी के बाद सुपरटेक पर लटकी ईडी की तलवार, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्राधिकरण के पूर्व अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई, पूर्व अधिकारियों के खिलाफ जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस, मामले में पीएमएलए के तहत शुरू हो सकती है जांच, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन ने तमाम परियोजनाओं में लगे बायर्स के पैसों को इधर उधर कंपनियों में शिफ्ट कर दिया और विदेश में बनाई गई कई कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किया गया, जिसे लेकर एसआईटी टीम एक या दो दिन में शासन को रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और साठगांठ वाला बिल्डर पर गाज गिरेगी। सूत्र की माने तो जल्द सुपरटेक एमडी समेत प्राधिकरण के उच्च पद पर तैनात रहे पूर्व अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है, जिससे कंपनी के एमडी समेत अधिकारी इंडिया से भी बाहर न जा सके। तो नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सुपरटेक ट्विन टावर मामले में आपको बता दे एसआईटी के बाद ईडी की तलवार लटक सकती है और ऐसे में जो एमडी है खास तौर पर उन पर गाज गिर सकती है, पूर्व अधिकारियों के खिलाफ जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस ताकि वो बिल्कुल भी इंडिया से बाहर ना जाए। जांच क्योंकि जारी रहेगी इसलिए उनका भी रहना जरूरी है।
सुपरटेक ट्विन टावर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 40 मंजिला है ये सुपरटेक ट्विन टावर और अवैध रूप से इसे बनाया गया। जो जगह, जो नक्शा इसका पास किया गया वो गलत था, नियमों को भी भूलकर इस ट्विन टावर को बनाया गया और अब उसको लेकर लगातार जांच क्योंकि जारी है, तमाम खुलासे हो रहे हैं, तमाम नाम भी सामने आ रहे हैं, तमाम अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि इन्हीं के मौजूदगी में नक्शा पास हुआ था और नक्शा पास होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब नक्शा गलत था तो नियम को भूलकर या नियम को दरकिनार करने के बाद क्यों इसको आगे मंजूरी दी गई। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है अब इस ट्विन टावर मामले में? ईडी की तलवार लटकेगी तमाम लोगों पर। देखिए, सुपरटेक एमरोल्ड मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसका देखा जाए कि जिस तरीके से बिल्डर के साथ साथ जो दोषी अफसर हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती सामने आ रही हैं और सूत्रों से जानकारी यह है मेरी है कि जो सुपरटेक एमडी है, एमडी समेत जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जल्दी ही जारी हो सकता है, जिससे ये जो अफसर हैं और ये जो बिल्डर है जो देश से बाहर ना जा सके, जिसको देखते हुए बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और ये भी जानकारी मिली है कि ईडी के साथ साथ पीएमएलए की भी जांच शुरू कर दी गई है और कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं वो पूर्व दोषी अधिकारियों के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ लगातार मुश्किलें बढ़ती सामने आ रही हैं। वहीं एसआईटी 1 से 2 दिन में जांच सौंप देगी। जांच सौंपने के बाद शासन को जांच सौंपी जाए कि अफसर हैं उनके खिलाफ पहले एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए निशांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बालकनी का छज्जा गिरने से हादसा हो गया, गर्भवती महिला की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। घटना को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दे दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि सपा की आसरा योजना के तहत ये फ्लैट बना था लेकिन इसकी छत गिरने की वजह से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि छत गिरी तो गिरी कैसे। सवाल ये उठता है कि अगर इतने लंबे समय से इसको तैयार किया गया था तो क्या इसकी मरम्मत का काम पहले नहीं किया गया, और अगर लंबे समय से इस बिल्डिंग को अगर बनाया गया तो ऐसे में क्यों नहीं देखा गया कि कौन सा फ्लोर जर्जर है या कौन सी छत जर्जर है, क्यों नहीं इसमें बार बार से रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। तो सपा की आसरा योजना के तहत यह फ्लैट बना था लेकिन इसकी छत गिरने की वजह से गर्भवती महिला की मौत हो गई है और 3 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बालकनी का छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। तो रामपुर में देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे छत गिरी है, हर तरफ नीचे मलबा फैला हुआ है, ऐसे में महिला की मौत हो गई है, गर्भवती महिला की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं। तो बालकनी का छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। हरदोई में वायरल बुखार से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरीजों को बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिला अस्पताल में बढ़ रही है सांस के मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है। डीएम अविनाश कुमार ने विभाग को साफ सफाई के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। तो बार बार यही अपील की जा रही है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सारी बीमारी से आप लोग बचे, क्योंकि लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। और ताजा मामला जहां हरदोई में वायरल फीवर की वजह से ही 4 लोगों की मौत हो गई है, ये अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, कहीं भी पानी खट्टा ना होने दे, अगर घर में कूलर है तो कूलर का पानी बदले, छत पर टंकी है तो टंकी में लगातार साफ सफाई का काम जारी रहना चाहिए, घर के बाहर अगर पानी इकट्ठा हो रहा है किसी वजह से तो उसे फौरन साफ करवाए। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है और जल जमाव की स्थिति बन जाती है जिससे बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आसपास ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रहे और यही अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस चीज को बरकरार रखे, सावधानी जरूर बनाए रखे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हरदोई से। आशीष, जिस तरीके से चार लोगों की मौत हुई है वायरल फीवर की वजह से, वाकई ये दहलाने वाली चीज है, क्योंकि लगातार अब लोग डर रहे हैं कि नॉर्मल वायरल फीवर से भी मौत हो सकती है। क्या जानकारी मिल रही है, क्या सिम्टम्स है, कितने केस सामने आए हैं? देखिए आपको बता दें, पूरा जो घटना है ये बुखार से लोग चार लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर बात करें तो क्योंकि वायरल फीवर लगातार अपना प्रकोप जारी रखे है, एक तो डेंगू है और दूसरा मलेरिया है जिसके मरीज लगातार आ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य विभाग ने जो अस्पताल में व्यवस्था है वो अपनी जारी रखी है। डीएम हरदोई अविनाश कुमार ने भी मीटिंग करके स्वास्थ्य महकमा को निर्देश दिए थे कि साफ सफाई को लेकर और दवा का छिड़काव है, जगह जगह जो नालियां भर जाती थी, चोक हो जाती थी, उसको लेकर निर्देश दिए थे। और वो भी स्वास्थ्य विभाग में जो जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं वो भी लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। जी चलिए ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।